सृष्टि कथा। दक्ष कन्याओं तथा धर्म एवं कश्यप जी की संतति का संक्षिप्त वर्णन। महादेव जी कहते हैं, देवी, प्राचीन काल में ब्रह्मा जी से दक्ष नामक पुत्र हुआ। ब्रह्मा जी ने दक्ष को सृष्टि करने की आज्ञा दी। तब दक्ष ने अपनी पत्नी विरणी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से 10 को तो उन्होंने धर्म के साथ ब्याह दिया, 13 कश्यप जी को दी, 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया, 4 कन्याएं अरिष्ट नेमी को दी, 2 भृगुपुत्र को, 2 बुद्धिमान कृशाश्व को तथा 2 अंगिरा मुनि को ब्याह दी। मरुत्वती, वसु, जामी, लंबा, भानु, अरुंधति, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या, विश्वा, ये धर्मराज की स्त्रियों के नाम हैं। अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, विनता, ताम्रा, क्रोधवशा, इरा, कद्रु, त्विषा और वसु, ये कश्यप जी की स्त्रियां हैं। अब इनके पुत्रों के नाम सुनो। विश्वा के विश्वे देव हुए। साध्या ने साध्य देवताओं को जन्म दिया। भानु के भानु और मुहूर्ता के मुहूर्त नामक पुत्र हुए। लांबा के पुत्रों की घोष नाम से प्रसिद्धि हुई। जामी से नागवीथि नाम की कन्या हुई। संकल्पा से संकल्प नामक पुत्र का जन्म हुआ। मरुत्वती से मरुत्वान नाम वाले देवताओं की उत्पत्ति हुई। अरुंधति के गर्भ से पृथ्वी पर होने वाले समस्त प्राणी उत्पन्न हुए। वसु से 8 वसुओं का जन्म हुआ। आप, ध्रुव, सोम, वर, अनल, अनिल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। आपके पुत्र देव, ब्रह्म, शांत और ध्वनि हुए। लोगों को अपना ग्रास बनाने वाले भगवान काल ध्रुव के पुत्र हैं। सोम के पुत्रों के नाम वर्चा और बुध हैं। वर के हुत हव्यवह और द्रविण, ये 3 पुत्र हुए। अनल के कई पुत्र हुए जो अग्नि के समान गुण वाले ही हैं। अनिल के 2 पुत्र हुए, मनुजव और अविज्ञात गति। प्रत्युष के पुत्र योगी देवल हुए। बृहस्पति जी की बहन ब्रह्मवादिनी 8वें वसु प्रभास की पत्नी हुई। उसी के पुत्र शिल्पकर्म करने वाले प्रजापति विश्वकर्मा हुए। मन, अनुमंता, प्राण, नर, पान, नेमी, यम, नृप, हंस, नारायण, विभु तथा प्रभु, ये 12 साध्य या तुषित देवता कहे गए हैं। अब कश्यप की संतानों का वर्णन करता हूँ। अंश, धाता, भव, त्वष्टा, मित्र, वरुण, अर्यमा, विवस्वान, सविता, पूषा, अंशुमान तथा विष्णु, ये सहस्त्र किरणों वाले 12 आदित्य अदिति के पुत्र हैं। अजैक पाद, अहिर बुधन्य, विरूपाक्ष, रेवत, हर, बहुरूप, त्रयंबक, सवित्र, जयंत, पिनाकी तथा अपराजित, ये 11 रुद्रगण हैं जो असंख्य रुद्रगणों के स्वामी हैं। इन्हें सुरभि की संतान कहा जाता है। बल पर गर्व रखने वाली दिति ने 2 पुत्र प्राप्त किए। ज्येष्ठ का नाम हिरण्यकश्यपु और छोटे का नाम हिरणाक्ष था। हिरण्यकश्यपु के 4 महाबली पुत्र हुए, जिनमें प्रहलाद ज्येष्ठ थे। उनसे छोटे का नाम अनहुलाद था। अनहुलाद से छोटे क्रमशः हलाद और हलद थे। हलद के 2 पुत्र हुए, सुंद और उपसुंद। हाल्द के 1 ही पुत्र हुआ जो मूक नाम से विख्यात था। सुंद का पुत्र मारीस था जो ताड़का के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। उसे महाबली श्री रामचंद्र जी ने दंडकारण्य में मार डाला। मूक भी सव्यसाची अर्जुन के द्वारा किरात प्रदेश में मारा गया। संहलाद के कुल में निवात कवच नामक दैत्य उत्पन्न हुए, जिनकी संख्या 3 करोड़ बताई गई है। वे सभी अर्जुन के द्वारा मारे गए। गवेष्ठी, कालनेमी, जंभ, बल्लव, शंभु तथा विरोचन, ये प्रहलाद के पुत्र माने गए हैं।
शंभु के दो पुत्र हुए, धेनुक और सोमलोमा। विरोचन के एक ही पुत्र प्रतापी बलि हुए। हिरण्याक्ष के पांच पुत्र हुए जो बड़े पराक्रमी और महाबली थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: अंधक, शकुनी, कालनाभ, महानाभ तथा भूत संतापन। इनकी लाखों संतानें हुई। ये सभी तारकमय संग्राम में मारे गए। इस प्रकार संक्षेप से कश्यप जी की संतानों का वर्णन किया गया, जिनके द्वारा देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत व्याप्त है।